हरियाणा के भिवानी में स्वच्छता, प्लास्टिक फ्री एवं जल संचय के विषय को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र पहुंचे। भिवानी में हुए इस एक दिवसीय कार्यशाला में सुभाष चंद्र ने जिला भर से पहुंचे अध्यापकों और अधिकारियों को इन तीनों विषयों के साथ जुड़ने की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान उनके साथ नवजोत सिंह संधु, सदस्य जिला कष्ट निवारण समिति भी मौजूद रहे। जो हमें सहज कर रखना चाहिए था उसको हमने दोहन करने में, शोषण करने में ज्यादा ध्यान दिया, तो आज जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस हम सब के सामने है, ये उसका परिणाम प्रमाण हम सब के सामने दिखाई दे रहा है। आज के कार्यक्रम का भाव केवल एक ही है, जितने भी यहां शिक्षक बंधु बैठे हैं भाई बहन, संकल्प को जगा करके जाएं, अपनी अपनी हिस्सेदारी तय करके जाएं और ये विषय तीनों मेरे अपने व्यवहार में जुड़ जाएं, ये इस कार्यक्रम का भाव है। क्योंकि मैंने जो आपको आते ही एक कार्यक्रम का स्लोगन दिया, प्रदेश को स्वच्छ कौन करेगा, अभी तक हम ये नारे लगवाते रहे बच्चों से और बच्चे बड़े जोश के साथ बोलते थे हम करेंगे हम करेंगे। अब ये काम हमने अपने कंधों पर लेना है। राष्ट्र निर्माता मैंने इसलिए बताया, डीओ साहब ने भी कहा कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ना केवल जुड़ा हुआ है बल्कि हम सब पर विश्वास भी करता है। और यदि शिक्षक कोई भी पहल प्रारंभ करता है तो वो पहल सार्थक परिणाम देती है, लाभदायक सुखद परिणाम देती है, इतिहास पर नजर डाल के देख सकते हैं। चाहे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लें, चाहे हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी की बात कर लें जो हम सब के आदर्श हैं, कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, शिक्षक हमेशा दूसरों को सिखाने वाला, दूसरों के लिए त्याग करने वाला, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला। हम सब यहां बैठे हैं शिक्षक की बदौलत, मैं यहां बैठा हूं शिक्षक की बदौलत, आपके सामने बात कर रहा हूं शिक्षक की बदौलत, शिक्षक की बदौलत। साथियों, आज के कार्यक्रम का भाव यही है कि हम भाषण ना करके, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि सब के सब विषय के सर्वज्ञ हैं, जानकार हैं, कोई अनजान नहीं है। आज तो केवल इस कार्यशाला का मकसद यह है कि हम एक उदाहरण बने